हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं, एवरी सुपर सेट ऑफ ए वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ ए वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। दोस्तों, यहाँ जो बोला गया है कि सुपर सेट आप लेके चलिए किसी लीनियरली डिपेंडेंट का। सुपर सेट दोस्तों उसे कहते हैं जो अपने अंदर बहुत सारे सेट्स को रख सकता है। जैसे मैं कहूं कि ए बराबर 1, 2, 3 है और कोई बी सेट है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं, तो ए को कम्प्लीटली बी आराम से रख लेता है, तो बी हमारा जो है सुपर सेट कहलाता है ए का। ठीक है, क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन है कि एवरी सुपर सेट और फिर लीनियरली डिपेंडेंट जो सुपर सेट है हमारा, यानी कि दिस सेट की बात चल रही है, ये सेट जो है ये पहले से एल डी बोल दिया है, ए आपका पहले से एल डी है और जो सुपर सेट है वो भी आपका एल डी होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशंस। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले, एस बी आर लीनियरली डिपेंडेंट सेट हम दोस्तों लेट कर लेते हैं। और दोस्तों लेट कर लेते हैं इस तरीके से कि जो सेट है हमारा एस वो इस तरीके से है कि उसके अंदर कोई वी आर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम लिखते हैं, यानी कि ए वन वी वन और ए टू वी टू डॉट 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 ए आर वी आर इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये तो लीनियर डिपेंडेंट सेट है। तो इसके अंदर एक ने एक ए ऐसा होगा जो ज़ीरो नहीं होगा, कम से कम एक तो ऐसा होगा ही। लेट कर लेते हैं एटलीस्ट वन ए आई, कम से कम एक ए आई ऐसा है जो ज़ीरो नहीं है, जो R से तो छोटा होगा या R के बराबर हो सकता है या वन होगा या वन से आगे का नंबर होगा, तो इनके बीच में ही कहीं आपको ये नंबर्स मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ले लिया। लीनियर डिपेंडेंट सेट के बारे में होता है कि उसका एक जो कोफिशियंट्स होता है वेक्टर्स का वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सुपर सेट कंसिडर कर लेते हैं इस सेट का, सुपर सेट। तो वी कंसीडर ए सुपर सेट, हम लोगों ने एक सुपर सेट बनाया, सुपर सेट एस प्राइम के नाम से ऑफ एस, एस का। और दोस्तों वो इस तरीके से लिया हमने सच दैट कि एस प्राइम जो होगा वो ऐसा होगा कि ये सारे मेंबर तो उसके अंदर होंगे ही, और उसके अंदर क्या होंगे, और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी होंगे, यानी कि वी आर तो रखेगा और वी आर से आगे के मेंबर जो होंगे वो भी इसके अंदर होंगे और वो एन मेंबर्स तक है। ठीक है, तो हम दोस्तों इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देते हैं, फील्ड के मेंबर ले लेते हैं इतने, तो हमने क्या काम करा, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। और दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस कर ही लिया था आपने कि इस यहाँ तक कोई एलिमेंट ऐसा ज़रूर मिलेगा आपको कोफिशियंट फील्ड का जो ज़ीरो नहीं होगा, तो यहाँ तक कोई ना कोई एलिमेंट आपको एक ऐसा मिल गया होगा जो ज़ीरो नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर आपने बोला है। तो आप तो यहाँ कह सकते हैं एटलीस्ट वन ए आई ऐसा है जो ज़ीरो नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि ए वन से लेकर ए आर के बीच में एक ए आई मेम्बर ऐसा है जो ज़ीरो नहीं है, तो वो ए वन से लेकर ए आर के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पर भी वो ए आई आया होगा, तो वहाँ पर भी वो ज़ीरो नहीं होगा। जब ज़ीरो नहीं होगा तो एस प्राइम क्या बना दोस्तों, एस डैश बना आपका लीनियरली डिपेंडेंट। तो आप कह सकते हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइनली अपना आंसर दे देंगे, हम कह देंगे कि एवरी सुपर सेट, जितने भी सुपर सेट होते हैं ऑफ ए लीनियरली डिपेंडेंट सेट के इज लीनियरली डिपेंडेंट, वो भी क्या होते हैं दोस्तों, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। दोस्तों मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सुनूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।